इधर बिहार की जातीय गणना की रिपोर्ट पर वहां सियासी घमासान मच गया है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने जातीय जनगणना को लेकर सवाल उठाए और इसे फर्जी बता दिया है और उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार की जातीय गणना की रिपोर्ट में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के विरोधी जातियों की संख्या घटा दी गई है। रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मेरा सीधा सवाल है कि जाति सर्वे फॉर्म के अनुसार घर के मालिक का हस्ताक्षर जरूरी है, लेकिन मेरा हस्ताक्षर नहीं लिया गया और ना मुझे संपर्क किया गया है, जबकि मैं परिवार का मुखिया हूँ। यही चिंता बिहार के लाखों लोगों की है कि ये सर्वे करने वालों ने उनसे ना संपर्क किया और ना ही कोई हस्ताक्षर लिए। रविशंकर प्रसाद के गंभीर आरोपों के बाद पटना जिला प्रशासन ने इस पर सफाई दे दी और बताया कि सर्वे करने वाली टीम ने उनके घर जाकर गणना की, जिसके सभी दस्तावेज और जानकारियां उपलब्ध हैं, लेकिन गोपनीयता का पालन करते हुए गणना से संबंधित कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई।